दामरकाना माखन पब्लिक स्कूल वाहन में लगी अचानक आग, आग से करीब 3 से 4 बच्चे बुरी तरह से झुलसे। स्थानीय लोगों ने बच्चों को निकाला बाहर, कराया नजदीकी अस्पताल में भर्ती। बच्चे बुरी तरह से घबराए, स्थानीय बता रहे स्कूल की लापरवाही। अगर स्थानीय नहीं करते मदद तो हो सकता था बड़ा हादसा। स्थानीय लोगों का कहना है ऐसे ही चल रहे हैं स्कूल वाहन, कोई नहीं देता ध्यान। जबकि स्कूल के वाहनों का अभी हुआ था निरीक्षण और दिए थे एआरटीओ ने स्कूल वाहनों के निर्देश। मथुरा एआरटीओ के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है वृंदावन काना माखन पब्लिक स्कूल। स्थानीय निवासी सुनील कौशिक ने बताया कि काना माखन पब्लिक स्कूल मैजिक में अचानक आग लगने से 3 से 4 बच्चों की हालत गंभीर है। माय नेम संजय कुमार, यही वृंदावन यही पे रहता है, यही के अभी यही पे हुआ था। सुबह बच्चा चरा था, उसको जो एसी वाला था वो फट के दोनों बच्चा जल गया। वो दोनों बच्चा जो गाड़ी लोग बच्चा चढ़ने वाला था, ड्राइवर तो नहीं उतर गया, उसी टाइम दोनों बच्चा जल गया। बच्चा ने हम लोग को सेफ्टी करके रामकृष्ण मिशन में भेज दिया। ड्राइवर तो ऐसे भाग गया गाड़ी रख के, गाड़ी चला गया ड्राइवर रख के। ये शायद मुझे इतना नहीं मालूम है, शायद कनामखम प्लेस कनामखम। ये कितने बच्चे घायल हुए? बच्चा दो बच्चा घायल हुआ था, एक लेजी एक लड़का एक लड़की, शायद रामकृष्ण मिशन काली बाबू। कुछ नहीं इसमें, इसका बीमा भी नहीं। और आजकल जो अच्छा ठेली चला रहा है तो उसको बीमा चाहिए, उसको लाइसेंस सब मांग रहा है, लेकिन इसको कैसे कर रहे हैं? 50 करोड़ बोले इसको नहीं मांग रहा है कागज। अच्छा ठेली चला रहा है, गरीब आदमी है, करा बीमा लेकर कागज लेकर ये लेकर वो फलाना लेकर, लेकिन सब कुछ मांग रहा है। पुलिस वाला आई टी वाला मांग रहा है, रोज जो पकड़ा रहा है, और खुद 10 बच्चा हम घर से भेज रहा है, बच्चा को सेफ्टी करने के लिए पैसा दे रहा है स्कूल में, और स्कूल वाला ये काम कर रहा है गलत काम, बिना नंबर वाला गाड़ी भेज रहा है। आई टी शेष बीमा शेष बच्चा क्या आएगा? नहीं कोई बड़े दो बड़ा गाड़ी आया था, वो गाड़ी से बच्चा लेके गया, ड्राइवर ही चला गया। स्कूल से कोई आया नहीं, कोई ड्राइवर आया था, वो भी बिना नंबर वाला। पुलिस के शायद सर जी ने फोन किया, मुझे इतना नहीं मालूम है, पुलिस को बुलाया नहीं। मेरा नाम स्वाति है, मैं आनंद वाटिका के अंदर कृष्ण वाटिका है, मैं वहाँ की गाड़ी से जा रहे थे तो एकदम मुझे अचानक चिल्लाने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, तो मैं एकदम घर से बाहर भागी, तो मैंने देखा ये दोनों बच्चे बाहर खड़े थे ड्राइवर के साथ में, तो ये चीख रहे चिल्ला रहे थे। मैंने कहा बेटा क्या हो गया क्या हो गया? इन्होंने कहा आंटी जी मुझे बचा लो। मैंने कहा हुआ क्या बताइए तो सही। जब मैंने देखा ये बच्ची का चेहरा और पूरी बॉडी लाल पड़ती जा रही, तो मैंने गाड़ी के अंदर झाँक के देखा, गाड़ी के अंदर पूरा पानी पानी, और प्लस जहाँ से वो फटा पाइप वो पूरा धुआं दे रहा था। फिर मैंने इन बच्चों को एकदम कोलगेट वोलगेट लगाया, फिर मैंने देखा गाड़ी में और भी बच्चे हैं, मैंने कहा भैया इनको तो गाड़ी से बाहर निकालो, और मैंने कहा इनके पेरेंट्स को फ़ोन करो। बोले नहीं इनके पेरेंट्स को फ़ोन मत करना। मैंने कई बार बोला, पड़ोसियों ने कहा उनने फ़ोन नहीं करा इनके पेरेंट्स को, बोल रहा मैं स्कूल से लोग आ रहे हैं, ड्राइवर आ रहा है, दूसरी गाड़ी में बच्चे स्कूल चले जाएंगे। मैंने भैया इनको डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे इतना चीख रहे थे। फिर हम इनको बच्चों को तुरंत लेके यहाँ हॉस्पिटल आए हैं, और बाकी बच्चे वहीं पर ही थे, और ड्राइवर इनको बच्चों को हॉस्पिटल लाने को तैयार नहीं था। हाँ जी हाँ जी, ड्राइवर भाग गया था। अभी आप इनको हॉस्पिटल लाएंगे, उपचार होगा? हाँ जी, बच्चे के तो बिल्कुल खाल से पैर चिपक चुकी थी पैंट, और बच्ची पूरी बॉडी से जल चुकी है, पीठ से कान से, और पूरा पैर भी उसका जला है, और बच्ची के कान में भी पानी गया है, और बच्चे इतनी बुरी तरह से चीख रहे थे कि उनने और बच्चे भी गाड़ी से नहीं उतारे। जब हम पूरे पड़ोसी इकट्ठे होकर चीखे हैं, तब उनने और बच्चे गाड़ी से निकाले हैं बाहर। हाँ, बच्चों की हालत आप देख सकते हैं कि दर्द तो है अभी, इनको थोड़ा इंजेक्शन विंजेक्शन लगा है थोड़ा। ये काना माखन पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं।